खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला आंकड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 2019 का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और शुरुआत हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा रीजन है यह उत्तर प्रदेश का, कुल 27 सीटें यहां पर आती हैं और ये 27 सीटें जो हैं वो 26 जिलों में फैली हुई हैं। इन 26 जिलों में 27 सीट का आंकड़ा देखिए, बीजेपी प्लस मतलब एनडीए महज 6, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही और महागठबंधन 21 सीटें। ये बड़ा आंकड़ा, महागठबंधन 27 में से 21 सीटें जीत रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से 2014 में बीजेपी को 24 सीट मिली थी, इस बार बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट रही है। महागठबंधन मतलब एसपी बीएसपी, महागठबंधन मतलब अखिलेश मायावती को मिल रही है 21 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, बीजेपी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट रही है। और बड़ी बात यह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन को 27 में से 21 सीटें जा रही हैं, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है, कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। ये 27 सीटों का पूरा लेखा जोखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं आपके सामने रख रही हूँ। 2014 में इन्हीं 27 में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6, महागठबंधन की बल्ले बल्ले 21 सीट के साथ 27 में से। रूपिका,